और अभी आपको बताएं कि नई हलका बंदियों से मुतालिक पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास खत्म हो गया है। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी रहनुमा अपनी कयादत से मुशावरत के बाद कल दोबारा मिलेंगे। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल दोबारा होगा। नई हलका बंदियों से मुतालिक पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास खत्म हो गया है। अय्याज सादिक का कहना था कि सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी रहनुमा अपनी कयादत से मुशावरत के बाद कल दोबारा मिलेंगे। स्पीकर अय्याज सादिक ने यह भी कहा कि पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल दोबारा होगा। नई हलका बंदियों से मुतालिक पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास खत्म हो गया है। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी रहनुमा अपनी कयादत से मुशावरत के बाद कल दोबारा मिलेंगे।